वार्ड नंबर 47 सपा से पार्षद प्रत्याशी सरोज यादव व निवेदक गोविंद यादव डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे, लोगों से कर रहे हैं जनसंपर्क। फोर्थ पिलर की टीम से निवेदक गोविंद यादव ने बताया कि क्षेत्र में सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में किए गए कई विकास कार्य, सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आपको बता दें कि नगर निकाय का चुनाव 4 मई को काशी में होने वाला है, जिसे लेकर सारे प्रत्याशी जो है वो जोरों शोरों में प्रचार प्रसार के लिए लग चुके हैं। और अभी इस वक्त हम गिरदोपुर में मौजूद है। आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त सपा से जो प्रत्याशी है, पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही है सरोज यादव जी, उनके पति हमारे साथ गोविंद यादव जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर सरोज देवी जी चुनाव में उतर रही हैं और क्या कुछ जीतने के बाद उनका पहला कार्य होगा, यह भी जानेंगे उनसे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम गोविंद यादव है, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। इस वार्ड से हमारी पत्नी प्रत्याशी है और जनता की जन समस्याओं के लिए हम लोग जो है हमेशा खड़े उतरे, बस यही हमारा निवेदन है। गोविंद जी, ये जानेंगे आपसे कि सरोज जी इस बार चुनाव में उतर रही हैं, क्या कुछ मुद्दा है इस बार आपके चुनाव में उठने लड़ने का? हम लोग का देखिए नगर निगम से जुड़ा, बस जो नगर निगम का चुनाव है, जो नगर निगम से जुड़ा जो समस्या है जी जी, जनता का है, सीवर का है, पानी का है, और थोड़ा हम लोग में शहरी इलाके से हट के थोड़ा पिछड़ा इलाका भी है, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। पानी है, सीवर है, बिजली है, ये सब मूल हम लोगों के लिए, जनता के लिए मूल लगाएंगे। देखिए, लोगों से आप इस वक्त रूबरू होते होंगे, जाते होंगे, लोग यहाँ के क्षेत्र की जनता, वो क्या ऐसी और भी कौन सी समस्या जो आप तक रखते हैं? क्योंकि हमने बात की तो सरकारी योजनाओं का भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? उस पर तो क्या कहना है, उस पर तो सभी जान रहे हैं जी, सरकार के खिलाफ तो भाई जनता हम लोग जान रहे हैं, क्षेत्र में तो सुनने को मिल रहा है जी जी। अब जैसे पूरे नगर निगम पे लोगों का 30 साल से राज है, और यहाँ भी 65 सालों से था, तो जनता का बहुत कुछ क्षेत्र में आक्रोश भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने वादा किया कि भाई जो काम नहीं हुआ है, हम लोग का इतिहास है, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता के लिए जेल गए हैं, और आपका जो भी समस्या होगा उसको हम लोग दूर करेंगे जी। क्योंकि अब बात की जाए बाकी बीजेपी के प्रत्याशियों की, उनसे हमने बात की है, कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए इस बार, और बोले हैं कि 80 से अधिक सीट लाएंगे सपा की, समाजवादी पार्टी की सफाया इस बार, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मतलब यहाँ की जनता की हमेशा ये शिकायत रहती है जी भाई, अगर जनता की मांग भी है कि बैलेट से चुनाव कराइए जी जी, और वो लोग अगर बहुत ज़्यादा काम किए हैं या बहुत ज़्यादा जिसे ताकत दिखा रहे हैं, तो उनके में अगर वो है तो एक बार बैलेट से चुनाव करा के दिखा दें जी जी, समझ में आ जाएगा कि कितना पावर किसमें है, कितना आपने काम किया है, जनता जवाब दे देगी जी। करोड़ों का सौगात काशी को मिलता है, पर अगर कार्य विकास कार्यों की बात की जाए तो अभी भी गलियों की बात की जाए या क्षेत्रीय गांव इलाके की बात की जाए तो उसमें काम नहीं हुआ है, वो पैसे कहाँ जाते हैं, सौगात कहाँ जाते हैं? उस पर भी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम लोग जितना आपको बता रहे हैं, आप इस रोड से थोड़ा सा हट के जाइए, आपको सारा विकास दिख जाएगा जी जी, जितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा जी। जीतने के बाद पहला कार्य क्या कुछ होगा यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए? हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं जी, कुछ ऐसा जगह है जहाँ कुछ लोगों ने रो दिया जी, मतलब उनके गली में इतनी गंभीर समस्याएं बन गई कि हम आपको क्या बताएं जी। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन लोगों का हम लोग काम करें जी, तो सबसे पहली काम है कि उन लोगों का हम लोग काम करें। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्रवासियों से, क्या वोट अपील करेंगे? बस हमारी बस एक ही समस्या है कि हम जनता के ही आवाज़ पे आए हैं, हमारा कोई मतलब नहीं था चुनाव लड़ने का, जनता ने हमें आवाज़ दिया है, अब जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है इस बार हमको आशीर्वाद दें, और उनके हर काम, हर आवाज़ पे हम हमेशा खड़े मिलेंगे,
और जिला भी रुका हुआ विकास कार्य सब पूरा करेंगे। शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी हम गोविंद यादव जी से बात कर रहे थे, बिरदुपुर से सरोज यादव जी के पति हैं और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता भी है। विगत कई वर्षों से उनका साफ तौर पर यही कहना है कि समाज सेवी के रूप में तो वो कार्य करते ही आए हैं। क्षेत्र में विकास कार्य पर जीतने के बाद सबसे पहला जो कार्य होगा उनका यही होगा कि वह जो भी समस्या है उसका पहला जल्द से जल्द निवारण करें। हमारे साथ यहाँ पे बिरदुपुर के कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्या है उनके वार्ड में और सरोज यादव जी को कितना समर्थन मिल रहा है यहाँ से। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। जानते क्या नाम होगा आपका? रवि जी ये बताए क्या कुछ क्षेत्र की समस्या है पहले वो बताइए। अरे हमारे क्षेत्र में है क्या नाम, हम लोग रोजी रोजगार करने पड़ता है, फिर उसके बाद जहाँ दुकान रोजी जो भी है नाली फाली हम लोग घर के तरफ पानी एकदम गंदा पानी आ रहा है, एकदम पानी देना बरसात के दिनों में तो इतना समस्या कि कुछ कहा नहीं जा सकता। नल के पानी है जो पूरी एकदम रब पूरा रंगा हुआ पानी आ रहा है, पूरा कोरोना पड़ा हुआ आ रहा है, कोई पानी की पीने लायक नहीं है। कैसे कैसे हम रोड वोड देते पानी पीते हैं, पूरा बरसात बरसात में बरसात में बरसात में इतनी नाली के पानी हम लोग पीना पड़ता है। आज ही पूरी पूरी इतना हम लोग पहले के सवा साथ थे, उन लोगों को बोला गया भैया देख लीजिए क्या कुछ कहना था उनका आपको? अरे बहुत कुछ बोले, बाकी का ना ठीक बाबू हो जाएगा ना लाइट लग रहा ना बिजली, मतलब आश्वासन दिए काम नहीं किया अभी तक। पूरा आगे देखिए हम लोग गली में पूरा लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, 8 बजे 9 बजे हम लोग कमाच्छा क्षेत्र के हैं, ये पब्लिक वेलफेयर दीजिए पूरी पूरी गली गली पूरी खनी हुई है, कोई पानी कोनो चीज का कोई निकास नहीं है। नेताजी को बोला जाए ठीक है यार देख लेंगे यार, मतलब दिक्कतें बहुत है बिलोपुर में बोल देंगे। पानी हाँ। पानी के लिए हम लोग को लेकर बहुत दिक्कत है। अच्छा। पानी के लिए एक एक टाइम 2 घंटे पानी देंगे 3 घंटे पानी देंगे, उसमें कोई काम नहीं हो पाता है, समाधान नहीं हो पाता, सुनवाई नहीं होती आपकी। इस बार गोविंद यादव जी चुनाव में क्या लग रहा है? गोविंद क्या है समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से वो एकदम जनता के लिए एकदम जनता के लिए एकदम बढ़िया थे, बढ़िया सोचते हैं जनता के लिए, एकदम आज से नहीं बचपन में सोचते हैं कि अभी अरे कोई भी काम हो बढ़िया से हो अपने क्षेत्र का। वो नेताजी ऐसे 24 घंटा जब भी जाएंगे वो लगे रहते हैं, उम्मीद रख रहे हैं पूरी नंबर की है समाजवादी पार्टी। अगले भैया को दिया जाए और गोविंद यादव जी को हम लोग जिताया जाए, हम लोग का काम हो वो हमेशा 24 घंटे हम लोग के साथ लगे रहते हैं, वो कोई बहाना कोई कुछ नहीं, वो चाय की दुकान सुनते हैं आपकी। तो क्या लगता है समाज सेवी के रूप में अभी तो कार्य करें, जितने के बाद वैसे ही कार्य करेंगे? वो करेंगे, वो सामाजिक आदमी है पहले से भी, वो सामाजिक आदमी है पहले से ही पूरा लगे हुए हैं और हम लोग भी भगवान से मना रहे कि वो जीते हम लोग का काम करे। जी क्या कुछ कह रहे थे आप? ये बोल रहे समस्या बरसातों में, बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जी जी रोड इतना ऊंचा कर दिया, 2 फीट करीब वो रोड ऊंचा हो गया जी। और देखिए वहाँ से पानी पूरा इसमें आ जाता है, पूरा गली में पानी भर जाता है। हाँ हाँ। पीने लायक पानी नहीं रहता है, मतलब चलने लायक नहीं रहता है। अच्छा तो बहुत उम्मीद है गोविंद भैया आए नहीं, इनको लाया गया जनता ने लाया है, इनको जिताना भी है। बरसात के दिनों कोई खड़ा नहीं हो रहा था, हम लोग कहीं सरदार आप खड़ा हुई है यहाँ के 24 घंटे का करता है, पूरी सपा के ध्यान देंगे, आपका थोड़ा बहुत सहयोग है दोस्ती यारी है। जी जी सभासद मतलब कार्य तो सभा सेवी के रूप में कर रहे हैं, अभी भी आगे भी उम्मीद रख रहे हैं आप पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं आप लोग सब लोग मिलकर। बिरदुपुर के ही रहने वाले जी, ये जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी समस्याएं आपके क्षेत्र में है जो रोजाना आपको झेलनी पड़ती? रोजाना देखिए ये हमारे क्षेत्र में नाली का बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी का दिक्कत है और बाकी है बहुत समस्या। गोविंद भैया जीते यही काम करे अपना। अच्छा। आगे गोविंद जी से उम्मीद रख रहे हैं? पूरा पूरा उम्मीद है। ऐसे क्या कारण रहा पहले कार्य नहीं हो पाया? क्या कारण बताया, वो भी अपने थे उनको दिया गया एक बार, अब देखिए अब गोविंद यादव के ऊपर पूरा भरोसा है, गोविंद यादव जी को सरोज यादव जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट है। चलिए नहीं थे इसी तरह समाज सेवी थे तभी इतना काम कर रहे थे, इतना काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। हमारे गोविंद भैया के लिए हार्दिक आप लोग अभिनंदन करिए। जी 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 जरूर। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे बिरदुपुर की जनता से, साफ तौर पर उनका यही कहना है क्षेत्र का विकास तो उन्हें नहीं दिखा है, पर गोविंद यादव जी से जो समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है बिरदुपुर से, साफ तौर पर उनका कहना है कि उनसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं क्योंकि समाज सेवी के रूप में तो वो अभी कार्य कर ही रहे हैं, पर ये कहना है कि जब जीत भी जाएंगे तो वो इसी तरह कार्य करते रहेंगे और जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज़।